आज गाइज हम आ चुके हैं भूल भुलैया में घूमने, क्योंकि भाई अपने पास कुछ काम नहीं बचा था और यहाँ पे पता चला कि भूल भुलैया में कुछ तो इंटरेस्टिंग चल रहा। पूरे लॉस सैंटोस के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो भाई हम भी एक बार आ गए नज़र घुमाने के लिए। और ये भूल भुलैया तो सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है यार, यहाँ पे तो अपन सचमुच गुम हो सकते हैं भाई साहब। हर जगह जा रहे तो भाई चार रास्ते दिख रहे। अरे यार कहाँ से आया था मैं, शायद पीछे से आया था। और एक मिनट दोस्तों, ये क्या है? अरे भाई साहब यहाँ पे तो कुछ खुदाई उदाई कर रखी है, पूरा पत्थर वत्थर बिखरे। और एक मिनट यहाँ पे तो एक पेपर है। रुको गाइस, ये पेपर उठा के देखता हूँ तो ये पेपर क्या चीज़ का है। और जैसा कि गाइस मैं ये पेपर में पढ़ पा रहा हूँ भाई साहब, इस पेपर के अंदर तो 5 सीक्रेट लोकेशन है। हाँ गाइस, और वो भी सुपर बाइक की लोकेशन दिख रही है मुझे। लेकिन ये सुपर बाइक की लोकेशन यहाँ पे क्यों गड़ी हुई थी भूल भुलैया के अंदर, ये भाई साहब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरे को तो लगता है भाई साहब किसी ने यहाँ पे यार सुपर बाइक का लोकेशन यहाँ पे छुपा के रखा था खड्डा वड्डा करके, क्योंकि भूल भुलैया के अंदर कौन ही ढूंढ पाएगा। और भाई साहब मेरे को आते ही मिल गया, लगता है कोई यहाँ पे खोद रहा होगा, उसको मिला नहीं होगा। बट गाइस साइड में पेपर पड़ा था, मेरे को मिल गया। एक काम करता फटाफट यहाँ से निकलता, भाई साहब जिसका होगा वो आ गया तो भाई साहब पता चल जाएगा उसको, फटाफट यहाँ से निकलते। और गाइस मेरे पास तो 5 सुपर बाइक की लोकेशन मिल गए। चलो गाइस फटाफट जाके देखते वहाँ पे सचमुच की सुपर बाइक है कि नहीं। और मैंने यहाँ पे पेपर में पढ़ा, उसमें लिखा था भाई साहब वो एलिमेंटल सुपर बाइक है, मतलब पावर्स वाली होंगी तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होंगी। चलो गाइस फटाफट जाके देखते कार लेते। अरे भाई कार खुल जा, हाँ हाँ खुल गई। चलो गाइस एक काम करते, पहला जो मेरे को लोकेशन दिख रहा है वो अपने बाजू में ही है, मतलब थोड़ा सा 2 किलोमीटर दूरी है शहर के आजू बाजू, तो वहाँ पे देख लेते। और ये लोकेशन तो यार बहुत ही ज़्यादा अजीब फॉर्म में लिखा है यार, ये छत के ऊपर है क्या सुपर बाइक? मेरे को तो लगता है छत के ऊपर ही, क्योंकि अजीब सा लिखा है। चलो जाके देखते उधर ही पता चलेगा अभी। अच्छा तो जो अपनी पहली लोकेशन है भाई साहब, जो राइट वाली बिल्डिंग है यही लोकेशन है। और काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका हूँ मैं यार, मेरे को लग रहा था नज़दीक है बट गाइस नज़दीक नहीं था। ये जो बड़ी वाली बिल्डिंग है भाई साहब, ये रुको यार यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं। और ये बिल्डिंग तो मेरे को ढंग से दिख भी नहीं रही, इतनी बड़ी है। और ये भाई साहब इसके कितने ज़्यादा फ्लोर है यार, एक बार ऊपर से देखो। अच्छा इतनी बड़ी बिल्डिंग है भाई साहब। और यार जो पेपर में लोकेशन है उसके मुताबिक अपने को लिफ्ट से जाना है, तो पक्का टेरेस पे ही बाइक को रखा होगा। तो चलो यार फटाफट इस बिल्डिंग का लिफ्ट देखते हैं कहाँ से है। अच्छा ये रहा एंट्रेंस, यहाँ से जाना होगा। अरे भाई फटाफट जाते हैं, लोग बंदूक लेके क्यों खड़े हैं? ओए कलवे किधर जा रहा है, रुक जा। अरे भाई साहब क्या हो गया यार, मेरे को तो बस टेरेस पे जाना है यार, वहाँ से लॉस सैंटोस को पूरा नजारा देखना है, दरिया देखना है। अबे कलवे सटिया गया है क्या, यहाँ पे नजारे वजारे नहीं, गोली से नजारे दिखा दूंगा। फुटले यहाँ से, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे तो अंदर नहीं घुस सकता समझा। ये जो पीछे बॉस दिख रहे इनका बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई नहीं जा सकता। अच्छा अच्छा भाई साहब ऐसी बात है क्या? अरे यार दोस्तों ये लोग तो मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहे बिल्डिंग के, क्योंकि भाई साहब ये जो बॉस है इसकी बिल्डिंग है और इसी के पक्का वो बाइक होगी, वो जो सुपर बाइक इसने रखी होगी टेरेस पे छुपा के। लेकिन यार यहाँ पे तो सिक्योरिटी टाइट है, मैं लिफ्ट से तो बिल्कुल ही नहीं जा सकता। अब यार ये बिल्डिंग पे कैसे चढ़ूँ? एक तो गाइस देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है यार, कास्ट में स्पाइडरमैन होता तो भाई साहब एकदम चिपक चिपक के चल जाता, बट यार मैं स्पाइडरमैन तो हूँ नहीं। अब इस बिल्डिंग पे चढ़ने का कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। चढ़े तो चढ़े कैसे, क्या करूँ कुछ समझ भी नहीं आ रहा। गाइस तब तक आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरे को आइडिया है। फटाफट लाइक करके नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाओ और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाओ, फटाफट घंटा भी दबा देना। और गाइस मेरे पास एक आइडिया है यार, जैसे आपने सब्सक्राइब किया मेरे पास एक आइडिया आ गया। गाइस क्यों ना मैं हेलीकॉप्टर लेके सीधा यार टेरेस पे पहुंच जाए। हाँ भाई साहब ये सही रहेगा, हेलीकॉप्टर लेके जाऊंगा तो यार कोई मेरे को नीचे से देख ही नहीं पाएगा, सीधा ऊपर उतरूंगा और बाइक लेके भाग जाऊंगा। अब हेलीकॉप्टर मेरे को कहाँ पर मिलेगा? शायद मैंने यहाँ पर एक जगह देखी थी जहाँ पर पुलिस वाले अपना हेलीकॉप्टर खड़ी करते हैं। हाँ गाइज वहाँ पे जाके देखता हूँ, पुलिस वालों की हेलीकॉप्टर चुरानी पड़ेगी भाई। सो भाई लोग मैं लोकेशन पे पहुँच ही गया हूँ। हाँ गाइज देख सकते हैं मेरे को वो रही हेलीकॉप्टर दिख रही है, और यहाँ पे फटाफट कार को पार्क करते हैं। और गाइज ये पुलिस की हेलीकॉप्टर नहीं, ये तो आर्मी की हेलीकॉप्टर है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा था पुलिस वालों की हेलीकॉप्टर खड़ी रहती है। पर शायद यार लगता है आज यहाँ पे आर्मी वाले रोके अपना हेलीकॉप्टर, क्योंकि गाइज ये एक सेफ स्पॉट है, ये लोग यहाँ पे हेलीकॉप्टर को रोक के जाँच मरम्मत करते। और देख सकते हैं यहाँ पे दो मेरे को आर्मी वाले बंदे भी दिख रहे हैं, शायद कॉफ़ी पी रहे हैं। हाँ हाँ गाइज ये लोग कॉफ़ी पी रहे हैं। एक काम करता हूँ लेफ्ट से जाता हूँ, चुपचाप हेलीकॉप्टर में बैठ के यहाँ से निकल लेता। और भाई साहब ये तो देखो इस हेलीकॉप्टर पर क्या तगड़ी वाली बंदूक लगी है, और ये सीधा इनकी तरफ ही इशारे कर रही है। भाई साहब अगर मैं हेलीकॉप्टर में बैठा तो यार इस बंदूक से इन दोनों को उड़ा दूंगा, फिर तो कोई खतरा ही नहीं। चलो यार पर एकदम संभल के जाना पड़ेगा, इनकी नज़र ना पड़े। भाई तुम लोग कॉफ़ी पीते रहो, बस पीते रहो ठंडी ठंडी कॉफ़ी, कोई कुछ नहीं हो रहा। और ये तो देखो हेलीकॉप्टर में कितने बड़े अक्षरों में आर्मी लिखा है भाई, और ये बंदूक भी क्या तगड़ी बंदूक है। चलो भाई फटाफट अंदर बैठते, इससे कि पहले ये लोग देखे। चल भाई इंजन स्टार्ट हो जा, अरे इंजन स्टार्ट हो जा भाई, जल्दी हो जा।
ओए कलुए, ये हेलीकॉप्टर कौन चालू कर दिया? ओए रुक, तुझे छोड़ेंगे नहीं। ओए रुक जा, कहाँ जा रहा है? अबे छोड़ोगे कैसे, पहले पकड़ो तो सही। मैं तो निकल चला, और गाइस ये देखो इनके हेलीकॉप्टर चोरी करके मैं भाग गया। भाई साहब ये कुछ नहीं उखाड़ पाए मेरा। चलो भाई फटाफट यहाँ से निकलते, इससे कि पहले मेरे पीछे कोई टीम इमेज है। और गाइस जो बिल्डिंग थी वो कहाँ थी? हाँ वो, अरे देखो गाइस सामने ही मेरी बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग पे वो बाइक छुपा के रखे जो सुपर बाइक है तगड़ी वाली। चलो फटाफट उधर जाते हैं। एक मिनट यार, मेरे को यहाँ पे कुछ बंदे भी दिख रहे। हाँ भाई साहब यहाँ पे लगता है सिक्योरिटी वाले बंदे भी। ओ भाई साहब इस बिल्डिंग में तो बहुत सारे बंदे खड़े, देख सकते हैं इस बंदूक लेके। और यहाँ पे हेलीपैड भी है। एक काम करता, पहले हेलीकॉप्टर को यार ऊपर उतारता हूँ, क्योंकि हेलीकॉप्टर को उतारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अरे यार ये संभल नहीं मिली मेरे से। भाई साहब आगे चलना क्या कर रही है? ओके ओके चलो भाई, थोड़ा सा संभल रही है, बस इसको हेलीपैड पे उतारते। और गाइस मेरे को बाइक दिख सकती है, वो रही देखो गाइस, येलो कलर की बाइक है, वही सुपर बाइक होगी पक्का। और ये बंदे लोग तो देखो भाई, कितने सारे बंदे यहाँ पे बिल्डिंग पे। मतलब ये सुपर बाइक बहुत ही ज़्यादा महंगी और बहुत ही ज़्यादा रेयर होगी, इसलिए इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी इसकी टाइट है। चलो भाई हेलीकॉप्टर को नीचे उतारते हैं फटफट फटफट। अरे भाई क्या कर रहा है यार, ये तो उतर ही नहीं रही। और ये लोग बस मेरे को देख ना ले। अरे भाई काम करता गाइस, मेरे को पैराशूट से उतरना पड़ेगा। ये हेलीकॉप्टर से कुछ नहीं होने वाला भाई, मेरे को पैराशूट से उतरना पड़ेगा। और यहाँ पे सही मौका देख के मेरे को करनी है जंप, करनी पड़ेगी मेरे को परफेक्ट वाली लैंडिंग यार ये टेरेस पे। और देख सकते हैं मेरी हेलीकॉप्टर वहाँ पे जाके गिरी है भाई साहब, जहाँ पे बाइक है। और मेरे को बस गोल गोल घूमना है। चलो भाई जल्दी जल्दी नीचे उतरते हैं। और ये बंदे लोग ने शायद मेरे को देखा नहीं है, ये बात अच्छी है। इनको लग रहा होगा कि भाई कोई हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हुआ है। और ये क्या भाई साहब मेरे पे गोली चला रहे? अरे नहीं नहीं, मेरे पैराशूट पे छेद ना हो जाए भाई भाई आराम से। अरे यार बहुत ज़्यादा गोली लग रही है मेरे को। अरे अरे बचना होगा, कमन 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 कमन। और बस मैं पहुँच ही गया, अभी इनको बताता हूँ। रुको रुको रुको, अरे भाई गन कहाँ है मेरी? गन 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 तेरी तो टकले, ये ले भाई आ जा। और कौन है तुम लोग भाई? ये लो, और कौन है? आ जा तेरी तो ऐसी की तैसी। पहले मैं वो कवर में जान दूँ। और इधर भी भाई साहब, इधर भी टकला था। चलो इसको तो भर दिया। अरे भाई नहीं मारा तो, ये ले तेरी तो। और कौन एक ऊपर है? ये ले भाई तेरी भैंस की, सबका मैंने भूत बना दिया यहाँ पे। और कोई बचा तो नहीं ना? नहीं नहीं भाई सबको मार दिया। भाई साहब यहाँ पे कितने सारे सिक्योरिटी वाले थे, इस पूरे के पूरे टेरेस पे ही थे यार। और यहाँ से वैसे नज़ारा तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिखता है, देख सकते पूरा लॉस सैंटोस कितना मस्त दिख रहा है। और यहाँ पे एक याच भी रखी है, इस याच को भी बाद में चोरी करेंगे। गाइस कमेंट में बताओ याच चोरी करनी है कि नहीं, फटाफट कमेंट में जाके बताओ यार। अगर चोरी करनी है तो यस लिखो, वो भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। और बाइक का है? अच्छा ये रही गाइस, ओ माय गॉड कितनी ज़्यादा अमेजिंग बाइक है ये तो। देखो क्या साइलेंसर, और इसके अंदर से कुछ पावर्स वगैरह निकल रही है। ओ भाई इसके अलॉय व्हील देखो यार, पिंक कलर के। और इसका इंजन भी भाई कतई जहर बाइक है यार, ये तो मज़ा आ गया यार एक बार बैठ के तो देखे। चलो भाई फटाफट इसको चलाते हैं। और यहाँ से मैं नीचे कैसे लेके जाऊँगा? अच्छा सामने एक रैंप है। ओहो इसकी आवाज़ सुनो गाइस, क्या तगड़ी आवाज़ है बाइक की। ओ भाई साहब क्या कतई जहर बाइक है भाई। चलो इसको फटाफट नीचे लेके जाते हैं, यहाँ से मेरे को जंप कराना पड़ेगा। लो भाई मैंने हेलमेट भी पहन लिया अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि भाई साहब सीधा बिल्डिंग से मैं बाइक को उड़ाने वाला हूँ, तो भाई साहब सेफ्टी तो चाहिए ना। चलो गाइस लेट्स गो, 3, 2, 1 बूम। और भाई बाइक को खुदा दिए बहुत ही ज़्यादा तगड़ा, और पता नहीं कहाँ गिरने वाले। अरे भाई किसी के घर में गिरे, बहुत जोर की लगी, पर अच्छा हुआ हेलमेट पहना था। और भाई बाइक को तो कुछ नहीं हुआ? नहीं नहीं गाइस बाइक को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बाइक है बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली। भाई साहब देखो क्या मस्त बाइक हाथ लग गई यार। और ये तो वो 5 सुपर बाइक में से एक ही बाइक है भाई, इसका साइलेंसर भी बहुत ही ज़्यादा मस्त है। इसको बेचूंगा तो भाई कितने पैसे मिलेंगे, कम से कम 10-20 करोड़ तो आराम से दे देगा कोई भी इसके। चलो भाई इसका टेस्ट ड्राइव तो करेंगे। यूहू भाई कतई खतरनाक बाइक है, इसको चलाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। क्या तेज़ भाग रही भाई, 120 की स्पीड देख सकते भाई, 130। चलो गाइस इसको तो मैं यार गैरेज पे रख दूंगा। बाकी जो यार मेरे को पेपर में 4 लोकेशन मिली है, उसको भी चोरी कर दे भाई साहब, वो भी कितनी खतरनाक बाइक होगी भाई, मज़ा ही आ जाएगा। चलो फटाफट वहाँ पे जाते हैं। सो जो पेपर का लोकेशन है वो यहीं कहीं पे बता रहा है, यहाँ पे एक पार्किंग गैरेज होगा उसके अंदर। अच्छा जगह देख सकते गाइस, ये रहा पार्किंग वाली बिल्डिंग, इसी के अंदर बता रहा है भाई साहब। लेकिन ये पेपर के मुताबिक यार पार्किंग के अंदर कैसे सुपर बाइक हो सकती है यार? पार्किंग में तो कार पार्क करते हैं, बाइक थोड़ी पार्क करते हैं। अरे भाई ये क्या है, ये कैसा रास्ता है यार, मेरे को दिखाई नहीं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे पार्किंग के अंदर तो आ गए अपन। अब फटाफट बाइक ढूंढते हैं। चलो यहाँ पे तो कोई सिक्योरिटी वाला नहीं है, ये बात अच्छा है भाई। यहाँ पे तो पूरा का पूरा पार्किंग गैरेज ही खाली है यार, ये क्या बात हुई। लेकिन वो पेपर के मुताबिक तो यहीं पे लिखा था कि कहीं पे सुमड़ी में छुपा के रखा है बाइक को, ऐसा लिखा है। पर यार यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा, ये तो पूरा कबाड़ा है भाई, पूरा कबाड़ खाना है। ये कबाड़ में कहाँ से होगी बाइक? एक तो मैं इस कबाड़ के अंदर भी नहीं जा पा रहा। चलो भाई यहाँ से एंट्रेंस मिली, और यहाँ पे भी रास्ता, ये कबाड़ के अंदर है क्या यार? अरे ये क्या भाई,
ये तो चौप की टट्टी पड़ी है इतनी सारी यार। बक भाई छी, इतनी ज़्यादा दूर आया इस कबाड़ खाने में चौप की टट्टी देखने के लिए। यार बाइक तो दिख नहीं रही मेरे को, यहाँ पे भी रास्ता, यहाँ पे देखो तो। और एक सेकेंड, ये क्या है? ओ माय गॉड, यहाँ पे तो सुपर बाइक पड़ी है। ये इतने सारे कबाड़ के पीछे इतनी ज़्यादा खतरनाक वाली बाइक, भाई इसके अंदर से तो कुछ पावर जैसा भी निकल रहा है। पता नहीं ये क्या है, पेट्रोल है, पानी है, पता नहीं कुछ तो है। और ये बाइक का लुक तो देखो कितना ज़्यादा तगड़ा है। इसमें दो दो साइलेंसर लगे हैं भाई। यार इससे के पहले कोई आए, फटाफट इसको लेके निकलते। ओहो इसका लाइट देखो गाइस, एक मिनट इसको पीछे से देखे तो। ओ भाई साहब इसका कलर देखो, क्या कलर निकल रहा है यार पीछे से। गाइस फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसी बात पे, क्या तगड़ी बाइक हाथ लगी भाई, इसको तो चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फटाफट इसको लेके निकलते हैं यहाँ से। ओ भाई ये कबाड़ खाने के अंदर से यार क्या खतरनाक बाइक मिल गई यार। वो भी यहाँ पे कोई सिक्योरिटी वाला नहीं लगा है, शायद जिसकी बाइक होगी ना उसने सोचा होगा कि कबाड़ खाने में कौन क्या ही ढूंढने आएगा, चौप की टट्टी तो पड़ी है, तो यार इसलिए उसने ऐसे ही छोड़ दिया होगा सिक्योरिटी के बिना। और ये तो देखो क्या बाइक हाथ लग गई भाई। ओहो इसको एक बार चलाया तो ज़रा, लेट्स गो। और इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है भाई, 200 स्पीड तो ये ऐसे ही पकड़ रहा है भाई। ओहो लेट्स गो भाई। ओ भाई क्या मज़ा आ रहा है इसको चलाने में, मैं बता रहा हूँ भाई एकदम अमेजिंग बाइक है ये। 190 की स्पीड भाई, ये देखो लॉस सेंटोस में तो मेरे को कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, इतनी स्पीड में निकल रहा है इस बाइक की मदद से भाई। कतई जहर बाइक है भाई, मैं बता रहा हूँ ये। और देखो भाई यहाँ पे कितनी स्पीड आ रही है। लेट्स गो भाई, यहाँ पे जंप कराते हैं, यहाँ पे एक जंप का पॉइंट आता है फटाफट। अरे नहीं नहीं नहीं, शिट गलत आ गया, यहीं पे आता है जंप का पॉइंट। अच्छा हाँ ये रहा। लेट्स गो भाई यहाँ पे जंप कराते हैं, बूम। भाई साहब देखो क्या कतई खतरनाक वाली बाइक हाथ लग गई भाई, ये देखो यार मज़ा ही आ गया। ओ भाई साहब भाई फटाफट लाइक सब्सक्राइब करो यार, नीचे लाल लाल सब्सक्राइब बटन जरूर दबा। चलो गाइस इस बाइक को भी यार मैं गैरेज में रख दूंगा। अरे थोड़ी सी नीचे गिर गई यार, फटाफट जाके उठाता हूँ। इसको भी मैं गैरेज में रख दूंगा। और गाइस जो लोकेशन अभी मेरे पास बचे उस लोकेशन पे भी जाके देखते हैं वहाँ पे सुपर बाइक है कि नहीं। लेट्स गो फटाफट जाते हैं। जो नेक्स्ट लोकेशन है वो यहीं पे बता रहा है कि भाई यहाँ पे कोई पार्किंग वाली जगह, जो चार मतलब चेंजिंग रूम है उसके अंदर में किसी में एक बाइक है। और यहाँ पे तो इतने सारे हट्टे कट्टे बॉडी गार्ड है यार, मतलब बॉडी बिल्डर लोग है ये लोग, तो खतरनाक वाली बॉडी बना रही है। मेरे को इनसे मुंह नहीं लगना भाई, वरना सुबह यार लेने के देने पड़ जाएंगे। ये इनकी बॉडी तो देखो भाई, इनसे दूर ही रहो तो ये अच्छा है। और गाइज मेरे को कुछ तो दिख रहा है सामने। हाँ गाइज मेरे ख्याल से यही हो सकता है, यहीं पर बाइक होनी चाहिए। चलो भाई पहले में तो नहीं है, लोकेशन तो यही बता रहा है पेपर के मुताबिक, दूसरे में भी नहीं है, और तीसरे में ये क्या है? अरे भाई यहाँ पे तो बहुत सारे कुछ चीज़ें लगी है। मेरे ख्याल से गाइस बाइक इसी के अंदर थी, पर यार कोई ले गया, मतलब मेरे से पहले कोई आ गया यार। शिट मतलब एक बाइक मेरे हाथ से निकल गई। ये कुछ रेडार वेडार है साथ बाइक वाइक के सुरक्षा के लिए, कि चोरी वोरी हो तो शायद बता दे। यार भाई कौन बाइक लेके गया? अबे यार मेरे को बाइक चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, जो नेक्स्ट लोकेशन है वहाँ जाते हैं, फटाफट जाते हैं। अरे ये क्या, अबे भाई ये लोग मेरे को मारने क्यों आ रहे हैं? अरे भाई मैंने क्या किया, पर रुक जा तेरी तो ऐसी की तैसी। अरे भाई तो बराबर का मुक्का दिया भाई मुँह में मेरे, तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं। ये ले तेरी भूत की, तेरी वैसियाँ की, ये ले चल भाई। तू भी बॉल्डी भी डल रहे, तो मैं भी भाई फ्रैंकलिन हूँ, किसी से कम नहीं। और भाई तेरे को भी लड़ना है क्या है? तेरे को भी बहुत चौड़े, बहुत देख रहा हूँ कब से घूर रहे हैं। और भाई बता ये ले तेरी तो, भाई मैं भी बहुत ज़्यादा दमदार हूँ। और ये क्या भाई साहब, ये तो मुक्का दिया। ओ भाई दो मुक्का, अरे भाई तीसरा भी भाई, और बाप रे बाप बहुत मार रहा है ये तो, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला निकला भाई। अबे टकले बचा ले मेरे को, ये टकले भाई बचा, ये देख पीछे से आ रहा है, बचा मेरे को भाई ये बंदे से बचा। अबे ये क्या, ये टकला भी मेरे को मारने आ रहा है। अबे यार शिट, ये दोनों मेरे को मारने आ रहे हैं। तेरी तो ये ले भाई, अभी बताता रुक जा, बहुत भाग रहा था। और भाई ये तो लगता है भाई कुंफू उंफू भी सिखाए, लेकिन मेरे आगे नहीं चलेगी, लात ही लात दूंगा इसको। और भाई ये देखो इसको मैं मार रहा था, ये देख के भाई टकला भाग गया। क्यों भाई टकले कहाँ जा रहा है? रुक जा रुक जा रुक, टकले तेरे को तो एक बताऊंगा रुक। ये ले टकले हैं, बहुत चौड़ में आ रहा था जब मैं मार खा रहा था, तो अब उसको मार पीटी तो कैसे भाग रहे हैं? डरपोक कहीं का, चल भग जा यहाँ से, इससे के पहले मार मार के तेरी चटनी बना दो, भग जा यहाँ पे। तो यार मेरे को बाइक नहीं मिली, फालतू के पंगे अलग हो गए यार, फालतू का लड़ना पड़ा इतने सारे बॉडी बिल्डर से भाई, मुक्के उक्के भी खाना पड़ा मेरे को, पर बाइक नहीं मिली। चलो यार दो लोकेशन अभी भी बाकी है, वो दो लोकेशन पे जाके देखता हूँ वहाँ पे सुपर बाइक है कि नहीं पावर वाली। लेट्स गो गाइस देखते हैं। सो गाइस जो नेक्स्ट लोकेशन है पेपर के मुताबिक वो एक जंगल में, तो इसलिए मैं इतनी बड़ी वाली मॉन्स्टर ट्रक ले आया ताकि भाई जंगल में कीचड़ में कहीं भी जाऊँ तो यार मेरे को कोई दिक्कत ना। और भाई जो लोकेशन है वो यहीं कहीं पे था नीचे, तो चलो भाई नीचे जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो रास्ता कितना ज़्यादा बेकार है, इसीलिए मैं ये मॉन्स्टर ट्रक को लेके आया था।
भाई कितना भी बेकार रास्ता हो ये कुछ नहीं देखती भाई, एकदम सही चलती है और भाई कुछ ज़्यादा ही सही चल रही है। अब यार पलट गई, सीधी हो जा वरना भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। ओके ओके ओके, मैंने इसको सीधा कर लिया भाई। वैसे ड्राइवर तो मैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हूँ, ये बात तो माननी पड़ेगी। और भाई ये देखो ये ट्रक की खासियत भाई, पानी हो कीचड़ हो दलदल हो कुछ भी नहीं भाई, ये ट्रक बस चलती जाती है भाई। अबे हड़िया तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं ना कुचलते हो जाऊंगा, इतनी बड़ी ट्रक लेके घूम रहा हूँ। और यार वो बाइक कहाँ पे, इधर ही कहीं पे होना चाहिए जंगल में, हमें ढूंढते रहना होगा। पर यार ये थोड़ी सी अच्छे से चले तब ना भाई, ये मॉन्स्टर ट्रक को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कहीं भी ठुकरी कहीं भी जा रही, इतने बड़े बड़े टायर ओके होने की वजह से। और बाइक कहाँ पे है, यहाँ पे तो कहीं नहीं दिख रहा, ये पानी के अंदर तो नहीं है ना? नहीं भाई पानी के अंदर होता तो भी दिख जाती, बाइक तो बड़ी होती है। यहाँ भी नहीं है, इस पानी में भी नहीं है, यहाँ पे क्या है भाई? अबे ये कैसा जानवर घूम रहा है, अबे काला जादू वाला जानवर घूम रहा है क्या? चलो यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे तो मिलिट्री बेस है यार, मेरे को जल्दी यहाँ पे ढूंढना होगा, वरना मिलिट्री वाले देख लेंगे कि मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, तो भाई लेने के देने हो जाएंगे, कुछ ना कुछ लोग उठपटन चीज कर देंगे मेरे को यार, दुश्मन समझ के मेरे पे मिसाइलें ना छोड़ दे मिलिट्री वाले। और एक मिनट गाइस, यहाँ पे ये पावर कैसी निकल रही है? हाँ भाई मेरे ख्याल से मेरे को बाइक मिल गई, देख सकते हैं बहुत सारे होली के कलर निकल रहे हैं भाई, ये क्या होली वाली बाइक है क्या? उतर के देखो तो, और यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा सुनसान जगह पे इस बाइक को रखा है, ये देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे कलर निकल रहे हैं। चलो भाई फटाफट पास से जाके देखते हैं। और मैंने यहाँ पे शायद एक चिड़िया मार दिया, अरे सॉरी यार बट मैं मारना नहीं चाहता था, ये इतना बड़ा ट्रक लेके घूम रहा था भाई, कुछ सामने आ जाएगा तो मर ही जाएगा। और यहाँ पे बाइक तो देखो, ओहो हो, ये बाइक तो अब तक की सबसे बेस्ट बाइक है यार, इसके एग्जॉस्ट इसके टायर भाई कतई जहर अमेजिंग है, और इसका कलर मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगा भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा मस्त बाइक है। इसको मैं नहीं बेचूंगा भाई, इसको मैं बिल्कुल नहीं बेचूंगा, इसको मैं अपने कलेक्शन में रखूंगा। और इसके आगे से देख सकते कलर निकलते बहुत ही ज़्यादा प्यारे वाले, इसलिए सुपर बाइक है और भाई साहब रेयर बाइक है। नहीं नहीं नहीं, इसको 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 भाई काम है, पानी में उतारो इसको, कीचड़ में नहीं उतारूंगा भाई, गंदी हो जाएगी, इसको पीछे से लेके जाते। ओहो हो, इसका आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा मस्त है भाई, और देखो चल भी क्या सेक्सी रही है, सीधा 100 की स्पीड पकड़ ली। अरे हट जाओ आंटी जी। ओहो हो, बाइक की हैंडलिंग बहुत ही ज़्यादा मस्त है गाइस, मेरे को बहुत मस्त लगी है। और देख सकते इतनी ऊपर भी उछाल दिया फिर भी मैं नहीं गिरा भाई, बाइक बहुत ही ज़्यादा तगड़ी, इसके सस्पेंशन भी मस्त है, मज़ा ही आ गया यार, लेट्स गो। यहाँ पे हमें एक और बाइक मिल गई यार, आज का दिन कितना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा मैं उस भूल भुलैया में गया भाई, तो मेरी तो चांदी चांदी हो गई। और ये बाइक के हेडलाइट, हाँ हेडलाइट काम कर रहा है, आगे दो लाइट जल रहे हैं। चलो भाई इसका आवाज़ भी सुन सकते हैं गाइस, यहाँ पे थोड़ा यार मिट्टी है इसलिए आवाज़ अच्छे से नहीं आ रहा, मैं थोड़ा आगे जाता हूँ और आपको रोड पे आवाज़ सुनाता हूँ। रोड पे ना इस बाइक की आवाज़ बहुत ज़्यादा मस्त आएगी यार, रोड कहाँ है, ये सब कच्चा रास्ता ही है। मैं काफ़ी ज़्यादा अंदर आ गया था ना जंगल में इस बाइक को ढूंढने के लिए, इसलिए यार रोड नहीं दिख रहा मेरे ख्याल से। हाँ हाँ आगे रोड आएगा, चलो चलो बस पहुँचने वाला हो, थोड़ी सी दूर है, यहाँ पे पेड़ भी बहुत सारे हैं, संभल के चलाना होगा। हट जा भाई, और कहाँ पे, हाँ हाँ मैप में तो दिख रहा है आगे ही रोड है। हाँ ये रे गाइस मेरे को रोड मिल गया, बहुत सारी गाड़ियाँ भी चल रही है। अब इसका आवाज़ टेस्ट करते भाई, ये गाड़ी का आवाज़ अब असली आवाज़ सुना देगा, लेट्स गो। एक मिनट यार, इसके टायर में से स्मोक निकलता है क्या? ओ भाई पीछे का कलर देखो, माय गॉड भाई अमेजिंग कलर देखो भाई, क्या तगड़ा है। ओहो हो, ऐसा कलर तो भाई आपने कभी नहीं देखा होगा। नहीं मैंने देखा भाई, कतई ओपी। ये देखो भाई स्टंट भी मार सकता हूँ मैं, मज़ा आ रहा है भाई इसको चलाने में, लेट्स गो भाई। कतई जहर बाइक मिल गई अपने हाथ में, और इसकी आवाज़ सुनो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो चलो गाइस बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बताओ भाई हम याच को चोरी करें कि नहीं करें, फटाफट कमेंट में बताओ, और नीचे लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करना। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और यहाँ पे इस दुश्मन है तेरी तो भाई, रुक जा भाई तेरी तो भाई, सिवस भी बंदूक थी। चलो भाई धर दिया मैंने इसको, अरे अरे नहीं नहीं जिंदा तेरी तो, चल भूतनी के। यहाँ पे से फ्रैंकलिन का राज चलता भाई, मेरे अलावा कोई नहीं। मेरे ख्याल से मेरी बाइक छीनने आ रहा था वो बंदा, लेकिन उसको क्या पता भाई अपन भी बंदूक लेके ही घूमते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।